जिज्ञासु मित्रों, आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वैशेषिक दर्शन पर विचार रखेंगे और इस वैशेषिक दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि वैशेषिक दर्शन क्या कहता है। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया न्याय दर्शन को, तो ये न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन जो है ये एक श्रेणी के दर्शन है। वैदिक दर्शन व्यवस्था में षड दर्शन, जिसमें छह दर्शन है, मीमांसा, वेदांत, सांख्य वैशेषिक और सांख्य योग, क्षमा कीजिए, न्याय वैशेषिक और सांख्य योग, तो मीमांसा और वेदांत ये दोनों एक श्रेणी के अंदर आते हैं, दोनों एक आधार पर बात करते हैं। और फिर न्याय और वैशेषिक, ये दोनों एक श्रेणी के हैं, एक आधार पर बात करते हैं। और फिर सांख्य दर्शन और योग दर्शन, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन और महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, वो एक आधार पर बात करते हैं। ये दर्शनों का अपनी अपनी ये तीन आधार है। मीमांसा और वेदांत का आधार एक होता है, ये एक श्रेणी के अंदर आते हैं। न्याय और वैशेषिक एक श्रेणी के अंदर आते हैं। सांख्य और योग एक श्रेणी के अंदर आते हैं। तो न्याय दर्शन के बारे में हमने श्रवण किया, न्याय दर्शन को हमने पिछले व्याख्यान में समझने का प्रयास किया, और आज वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन जो है इनमें समानता क्या है, एक श्रेणी में क्यों है? क्योंकि एक जैसे तर्कों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम मीमांसा और वेदांत की अगर हम बात करें तो ये एक अगर छह प्रमाण मीमांसा के अंदर माने जा रहे हैं तो अद्वैत वेदांत में भी उसको स्वीकृति दी जाएगी, एक आधारशिला पर दोनों वेद को प्रमाण मानते हैं। यद्यपि वेद को प्रमाण तो छह के छह दर्शन मानते हैं, लेकिन इनमें भी श्रेणियां हैं। न्याय और वैशेषिक एक आधार पर बात करते हैं, सांख्य और योग एक आधार पर बात करते हैं, और फिर ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद भी है। जैसे मीमांसा को अनिश्वरवाद कह दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें ईश्वर की चर्चा नहीं है, लेकिन ईश्वर पर फोकस नहीं है, ईश्वर की मान्यता को मजबूती से उसे नहीं रखा गया है। वेदांत पूर्णतः ईश्वर पर ब्रह्म की व्याख्या करता है, एक शक्ति की बात करता है, एक पर ब्रह्म की बात करता है। न्याय और वैशेषिक दोनों ही ईश्वरवादी हैं, दोनों ही ईश्वरवादी हैं। सांख्य और योग एक श्रेणी के हैं, लेकिन दोनों अनिश्वरवादी श्रेणी में वैसे आते हैं। ये किस प्रकार है, ये भी एक समझने का विषय है। इसके लिए हम कभी अलग से आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है, कि क्यों ईश्वरवाद है और क्यों अनिश्वरवाद है षड दर्शन के अंदर, जब सभी वेदों से विकसित हुए हैं और सब वेदों को प्रमाण मानते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं न्याय और वैशेषिक पर, एक विशेषता क्या है ये दोनों दर्शन की, न्याय और वैशेषिक, इसमें ईश्वरवाद तो है। अब एक और श्रेणी यहां पर बनती है, एक और डिवीजन यहां पर होता है, आध्यात्मिकता के आधार पर। यद्यपि वेदांत ईश्वरवादी है, न्याय भी ईश्वरवादी है और वैशेषिक भी, तीन दर्शन ईश्वरवादी, लेकिन जब हम किसी चीज को, जब हम आध्यात्मिकता, जब हम अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो ईश्वरवाद और अध्यात्म में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, उस फर्क को समझना है कि ईश्वरवादी होना, भगवान को मानना, ईश्वर को मानना और आध्यात्मिक होने में एक अंतर है। हाँ, यह निश्चित है कि जो आध्यात्मिक होगा या जो लोग आध्यात्मिक हैं, स्वयं को आध्यात्मिक मानते हैं या वो ये कहते हैं कि हम आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं,
तो उनका ये दावा रहता है कि हाँ भाई वो ईश्वर को में विश्वास करते हैं, ईश्वरीय सत्ता में वो विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक हो और जरूरी नहीं कि वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखे, ऐसे भी होने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक होना और ईश्वरवादी होने में थोड़ा सा फर्क है। ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति ईश्वरवादी है वो साथ में आध्यात्मिक भी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है और ईश्वरवादी ना भी हो। तो आध्यात्मिकता अर्थात उसमें सूक्ष्म तत्वों की बातें ज्यादा होती हैं, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें मोक्ष ईश्वर आत्मकल्याण, इन सब बातों को ज्यादा विस्तार से बताया होता है, इसलिए वो आध्यात्मिक है। इसके विपरीत जब हम न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का अध्ययन करते हैं, इसमें ईश्वर की मान्यता को तो स्वीकृति बिल्कुल स्वीकृति है और तर्क के आधार पर स्वीकृति है, किंतु ये दोनों दर्शन आध्यात्मिकता से धनी नहीं है। ऐसा विद्वानों का मानना है कि ये दोनों दर्शन न्याय भी और वैशेषिक भी आध्यात्मिकता के धनी नहीं है, इनमें आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। तो कई विद्वान इनको पूर्ण दार्शनिक विषय नहीं मानते, न्याय और वैशेषिक को, लेकिन इनका महत्व बहुत है अपने आप में। क्यों महत्व है? क्योंकि न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं और तर्क शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि तर्क विद्या है। उसके जो 16 पदार्थ जो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किए, वो तर्क के पदार्थ हैं, वो तर्क करने के पदार्थ हैं। तो तर्क शास्त्र, वहां पर प्रमाण को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया और प्रमाण का विस्तार किया गया। ज्ञान किसे कहते हैं, परिभाषित करने का तरीका तर्क के आधार पर किसी चीज को, किसी विषय को परिभाषित करने का तरीका न्याय से मिलता है। तो ये दर्शन ऐसा है कि इसका समावेश सभी दर्शनों में हो जाता है अपने आप, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए न्याय दर्शन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रमाण और ज्ञान की बातें करता है, उसका फोकस प्रमाण पर है। कोई भी बात कहो तो प्रमाण के साथ कहो, प्रत्यक्ष क्या चीजें हैं, प्रमा क्या है, अप्रमा क्या है, इन सब को परिभाषित किया, प्रमाण प्रमेय को परिभाषित किया। तो जिस वस्तु का प्रमाण दिया जा रहा है वो वस्तु प्रमेय है। तो अब हम आते हैं वैशेषिक दर्शन पर, क्योंकि ये पहले क्यों बताया गया, जोड़ते हुए अगर आप न्याय सही से समझते हैं तो वैशेषिक को समझने में और आसानी हो जाती है न्याय के दृष्टिकोण से। क्यों? न्याय प्रमाण पर फोकस करता है, प्रमाण रखकर कोई बात कहने की विद्या वो देता है, या तर्क, इसलिए उसे तर्क शास्त्र या प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। और वैशेषिक जो है वो प्रमेय पर फोकस देता है, अर्थात वस्तु पर, जिस वस्तु को प्रकाशित किया गया, जो प्रमाण एक साधन है प्रमेय के लिए, जिस वस्तु का ज्ञान हुआ उस वस्तु को फोकस करता है, ना कि प्रमाण को। एक ही चीज के साथ प्रमेय और प्रमाण जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रमेय पर फोकस है, अर्थात उस वस्तु पर फोकस है, उस वस्तु की चर्चा करता है। इसीलिए वैशेषिक एक तत्वशास्त्र है, तत्वों की चर्चा करता है। अगर न्याय तर्क शास्त्र है तो वैशेषिक क्या है? वैशेषिक दर्शन तत्वशास्त्र है, और यह बहुत ही प्राचीनतम दर्शन है। इसके जो मुख्य प्रवर्तक हुए वो कणाद ऋषि, उनका नाम उलूक भी था, इसलिए इसे औलुक्य दर्शन के नाम से भी जानते हैं। उनको कणाद इसलिए नाम दिया गया, किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, जब वो अपना सारा काम करके शाम को चले जाते थे, तो ये ऋषि मुनि क्या करते थे, अपना जीविका चलाने के लिए भाई जितना भोजन चाहिए बस उतना ही पर्याप्त था उनके लिए, तो वो वहां पर जाते और जो अन्न के दाने जो कण गिरे रहते उनको इकट्ठा करते और उससे अपना पेट भरते। तो ऐसा करता हुआ देखकर लोगों ने उन्हें कणाद नाम दे दिया, ऐसी कथा आती है। इसलिए इस दर्शन को अलौकिक दर्शन, और कण दूसरा एक और बात है कि ये कणों की बात करते हैं, ये परमाणु की बात करते हैं, और परमाणु को कैसे परिभाषित करते हैं, परम व गुटे, अर्थात जिसका और ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। उन्होंने परमाणु को परिभाषित किया, यद्यपि परमाणु की हल्की फुल्की चर्चा न्याय में है, लेकिन जो विशेष चर्चा है वो
वैशेषिक दर्शन के अंदर परमाणु की मुख्य चर्चा प्राप्त होती है। तो परमाणु जो है इसका अन्यत्र और अधिक विभाजन संभव ना हो उसे कहा गया, और चार प्रकार के परमाणुओं की चर्चा यहां पर की गई, जिसमें कि मुख्य कौन कौन से हैं, धरती के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु और वायु के परमाणु, ये चार परमाणुओं की चर्चा वैशेषिक दर्शन में प्राप्त हमें होती है। अन्य पदार्थ है, फिर इसमें छह पदार्थों का भी वर्णन किया गया, द्रव्यों का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया, भाव और अभाव। छह पदार्थों का वर्णन, द्रव्य एक पदार्थ हुआ, दूसरा गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इन सब में जो मुख्य पदार्थ है वो स्वयं द्रव्य ही है। फिर द्रव्य को जो है और विभाजित किया गया, द्रव्य को बताया गया, तो नौ द्रव्य बताया गया, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये तो पंच तत्व भी होते हैं, और दिक, काल, आत्मा, मन। द्रव्यों में आत्मा और मन को भी द्रव्य स्वीकार किया गया। फिर इसमें दिक और काल, स्पेस एंड टाइम, अगर हम एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे या फिर क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, भौतिक साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो हम स्पेस एंड टाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो भौतिकता के आधार पर इसमें वर्णन बहुत ज्यादा है, और उस समय इसका विस्तार माना जाता है। यद्यपि इसकी रचना तो बहुत पहले से होती आई हुई, इस पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना पहले से होती, महाभारत काल से मानी जाती है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो बाद में जो विद्वान आए, प्रशस्त पाद इसके एक विद्वान हुए, जिन्होंने की कणाद ऋषि के सूत्रों पर अपना भाष्य दिया है। तो वो जब आए तो उनका समय बताया जाता है 300 वर्ष ईसा पूर्व, उस समय में इसका भाष्य लिखा गया। कई ग्रंथों के भाष्य 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए, लेकिन उनकी जो सूत्र दिए गए, जो मुख्य सूत्र थे, वो बहुत पहले महाभारत काल या कुछ ग्रंथों के महाभारत काल से मीमांसा है, तो महाभारत काल से पहले ही उसके सूत्रों की रचना बताई जाती है। सांख्य प्राचीनतम दर्शन में आता है, कपिल मुनि, तो कपिल मुनि बहुत पहले हुए, उनका समय, जब हम सांख्य दर्शन की चर्चा करेंगे तो कपिल मुनि का समय क्या था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वैशेषिक दर्शन इस प्रकार से इन तत्वों की बात करता है, और विशेषता क्या है कि परमाणु के अंदर जो गति है, न्याय में भी ये बात पहले आ चुकी है, परमाणु के अंदर जो गति है वो ईश्वर के कारण है, वो से उस शक्ति को ईश्वर प्रदान करने वाला, इसलिए ईश्वर की विशेषता यहां पर भी है। और स्वयं जब इन द्रव्यों की बात की जाती है, इन पदार्थों की बात की जाती है, तो इन पदार्थों में जो पांचवा पदार्थ होता है वो विशेष है, इस कारण से भी इसको वैशेषिक दर्शन, क्योंकि कुछ विशेष बातें करता है, कुछ स्पेशल बातें करता है। एक तो सामान्य है, सामान्य पदार्थ के प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण है, और एक विशेष गुण है जो सबसे एक दूसरे को अलग कर रही है, वो उसका विशेष गुण है किसी भी वस्तु का। तो एक विशेष पदार्थ की चर्चा यह दर्शन करता है, इसकी विशेषता ये, इसलिए इसे वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। और तत्वों की चर्चा अन्य दर्शनों में नहीं मिलती, मिलती है लेकिन इतनी बृहद नहीं मिलती, इतनी सूक्ष्मता के साथ, इतने व्यवस्थित ढंग से नहीं बताया जाता, इस कारण से यह दर्शन विशेष, और यह दूसरे अन्य दर्शनों में भी फिट होता है, हर जगह जाकर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तत्वों की जानकारी जो इसमें दी जा रही है, उन तत्वों की के ज्ञान की आवश्यकता तर्क करते समय या अपनी बातों को रखते समय अन्य दर्शनों में प्रयोग होता है, इसलिए कहते हैं कि यह विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसको जानना जरूरी है। इसको समझने से न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन, एक तर्क शास्त्र है और एक तत्व शास्त्र है, इनको समझने से अन्य दर्शनों को समझना या अन्य दर्शनों को परिभाषित करना, उन पर व्याख्यान रखना सरल हो जाता है। उनको, उनके सूत्रों को समझना या उनके, इनको अगर हम समझते हैं तो उनके सूत्रों को समझना, मीमांसा के, वेदांत या योग के सूत्रों को समझना और सरल हो जाता है। विशेषता ही
तो परमाणु और सृष्टि प्रलय की घटना वैशेषिक दर्शन की विशेषता है, ईश्वरवाद वैशेषिक दर्शन की विशेषता है, क्योंकि गति प्रदान करने वाला ईश्वर है, निमित्त कारण ईश्वर है संसार का, उसके कारण से ये सारी सृष्टि चल रही है, सृष्टि हो रहा है, परमाणुओं के द्वारा सृष्टि हो रही है, और फिर परमाणुओं के द्वारा ही जब प्रलय होता है सृष्टि होती है, जगत बनता है, जगत के बाद प्रलय होता है, प्रलय होने से परमाणु विभाजित हो जाते हैं, ये इसके सृष्टि प्रलय का जो व्याख्या आती है, सारे परमाणु विभाजित हो जाते हैं, और जब विभाजित हो जाते हैं फिर से सृष्टि होती है, तो ये परमाणुओं के कारण हो रही है, परमाणु इसमें इसके मटेरियल काउज है, ठीक, मटेरियल काउज अर्थात परमाणु ही, लेकिन ये कर कौन रहा है, तो वैशेषिक दर्शन कहता है कि परमाणुओं को मिलाकर जल वायु अग्नि ये जो चार भूत हैं, चार भूतों को ही इसमें तत्व रूप में स्वीकार किया, परमाणु के आकाश तत्व को परमाणु से परे बताया गया है, तो अग्नि वायु जल और पृथ्वी इन चारों को परमाणु, ये परमाणुओं से बने हैं, आज का भी विज्ञान अगर देखेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि चारों परमाणु से बने हैं, परमाणुओं के मिलने से बने हैं आपस में, तो अब ये जो परमाणु है जब ये प्रलय के समय विभाजित हो जाते हैं, वैशेषिक दर्शन का मानना, अब प्रलय निश्चित है, जिसकी सृष्टि होती है उसका प्रलय निश्चित है, तो जब प्रलय होगा तो सारे परमाणु अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर से सारे परमाणु जुड़ेंगे और सृष्टि करेंगे, अब फिर सृष्टि होगी, फिर जगत की सृष्टि होगी, और फिर से प्रलय होगा, फिर ये पूरा साइकिल चलेगा, तो ये जो साइकिल है इसकी चर्चा, पंचकर्म की चर्चा वैशेषिक दर्शन करता है, पंचकर्म में ये पांच प्रकार के कर्म की चर्चा करते हैं, पांच प्रकार की क्रियाएं बताते हैं कि पूरी सृष्टि के अंदर ये पांच प्रकार की क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, क्या क्या है, उच्छेपण अवच्छेपण अकुंचन प्रसारण और गमन, ऊपर की ओर गति नीचे की ओर गति, सिकुड़ना किसी का, फैलना किसी का, और गमन चलना किसी का, तो ये पांच प्रकार की क्रियाएं सृष्टि में हमेशा चलती रहती है, कर्म होते रहते हैं, पंचकर्म इसे वैशेषिक का ये पांच कर्म है, इसको माना गया, तो इस प्रकार से ये सारी सृष्टि चलायमान है, परमाणुओं के द्वारा चलायमान है, लेकिन परमाणुओं के पीछे जो शक्ति है वो ईश्वर की है, इसलिए ईश्वर है, और जीवन का लक्ष्य इन सभी भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करना, आत्मज्ञान का होना, लेकिन आत्मज्ञान किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं, आत्मज्ञान में क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, आत्मज्ञान किसी को कैसे प्राप्त होगा, क्या करना चाहिए कि आत्मज्ञान हो, इसकी विस्तार में व्याख्या वैशेषिक दर्शन नहीं करता, वैशेषिक दर्शन इन तत्वों की, इन पदार्थों की और इन द्रव्यों की चर्चा करता है जो भौतिक है, स्पेस और टाइम के बारे में बताता है, दिक और काल के बारे में चर्चा करता है, परमाणुओं के बारे में चर्चा करता है, तो एक तरह से फिजिक्स जो हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, स्पेस और टाइम के बारे में हम पढ़ते हैं, तो एक तरह से उसकी शुरुआत है ये, उस समय आज से महाभारत काल से भी पहले लगभग इन सूत्रों की रचना की गई, हाँ बाद में उस पर भाष्य लिखे गए, प्राचीन काल में ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले इस पर भाष्य की रचना हुई, ना कि सूत्रों की रचना तो पहले हो चुकी थी, तो वैशेषिक दर्शन की ये विशेषता है, इसमें इस तरह की चर्चाएं मिलती हैं, तो हमें विचार करना है और वैशेषिक दर्शन को के आधार को समझने का क्या हमें ये बताता है, सबका कारण ईश्वर को ही बताया जाता है, मोक्ष ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ये भी बताया जाता है, और अभाव और भाव तत्वों की चर्चा है, अभाव तत्वों में एक भाव भौतिक पदार्थ है, एक सूक्ष्म पदार्थ है, मन है, आत्मा है, इनकी भी चर्चा है, तो ये सूक्ष्म है, ये भी द्रव्य है, ये सूक्ष्म द्रव्य है, और भौतिक द्रव्यों में जल पृथ्वी वायु और अग्नि है, तो इस प्रकार से इसमें ये सृष्टि प्रलय की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, आत्मा की भी मान्यता इसमें रहती है, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, इस पर कोई विशेष जोर या विशेष विस्तार से बताया जा रहा हो, ऐसा ना होने के कारण इसमें आध्यात्मिकता को विशेष नहीं माना गया, इसे आध्यात्मिक दर्शन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, एक तो विभाजन हमने श्रेणी पर किस, अगर एक आधार पर बात करते हैं तो वो एक श्रेणी में आ गए, दूसरा ईश्वरवाद का श्रेणी है,
कि कोई ईश्वरवाद है, कोई अनिश्वरवाद है। एक तीसरा और श्रेणी बनता है आध्यात्मिकता का। तो न्याय वैशेषिक ईश्वरवादी होने पर भी आध्यात्मिक व्याख्या ज्यादा नहीं करते। इन दोनों दर्शन की विशेषता है। थोड़ा सा न्याय अलग है, न्याय में ईश्वर की व्याख्या बृहत रूप में मिलती है, विशद रूप में मिलती है। ईश्वर क्या है, जैसे कि पिछले व्याख्यान में हमने सुना कि तीन चार तर्क रखे गए। एक तर्क आपका कारणाश्रित तर्क, ये पृथ्वी बनी है तो किसी ने बनाया होगा, एक तर्क दिया गया। कर्मफल का तर्क, वैशेषिक में भी कर्मफल के न्याय के ही तर्कों को स्वीकार कर लिया गया, न्याय के तर्कों को, कर्मफल वाला तर्क कि भाई ईश्वर कर्मों का फल देने वाला है, तो वो तर्क वैशेषिक में भी स्वीकार कर लिया गया है, तो उसके आधार पर ईश्वर को व्याख्या की गई। तो इस तरह के तर्कों के द्वारा न्याय में ईश्वर की व्याख्या तर्कपूर्ण है, आध्यात्मिकता पूर्ण वहां पर नहीं है। तो थोड़ी सी आध्यात्मिकता, जब ईश्वर की बहुत ज्यादा चर्चा होगी तो आध्यात्मिकता तो वहां आ ही जाएगी, लेकिन वैशेषिक में वो व्याख्या भी नहीं मिलती है। मुख्य रूप से परमाणु को समझाने का प्रयास, लेकिन परमाणु जो गतिशील हो रहे हैं, परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, विभिन्न तत्वों का निर्माण कर रहे हैं, विभिन्न पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, इस बात पर फोकस, स्पेस और टाइम की चर्चा, मन की चर्चा, फिर आत्मा की चर्चा भी है, लेकिन उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से यह चर्चा सांख्य योग या फिर आपके वेदांत में पाई जाती है। तो ये वैशेषिक दर्शन की ये विशेषताएं हैं। तो हम विचार करें, इसको समझें, जानें और दर्शन शास्त्र की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए सांख्य और योग के ऊपर हम अगले व्याख्यानों में हम जाएंगे।